गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू 65। इसके लिए मैंने यहाँ में 3 आलू को छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। हमें इसको मीडियम तरफ से ग्रेट करना है। अब हम ग्रेट कर लेते हैं। इसको ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसको 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इसको बाइंडिंग कर लेंगे। इसके लिए हमें 5 चम्मच मैदा को ऐड करना है आलू में, और ये 5 चम्मच मैंने ऐड कर लिया है। चलिए, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ में लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच ऐड किया है, और यहाँ में मैं 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ में 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। मैं यहाँ में 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने सबको मिक्स कर लिया है। हमें इसको ऐसा ही बनाना है। देखिए, मैंने सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गोल गोल कर लेते हैं। और हम लोगों ने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। आप इसको गोल भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा ओवल शेप का बना रही हूँ। देखिए, मैंने सबको गोल गोल बना लिया है, मतलब ओवल शेप में। मैंने यहाँ में एक कढ़ाई ले लिया। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हम ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके ऐड कर लेंगे आलू के बॉल्स को, और हमें इसको क्रिस्पी फ्राई करना है। नीचे से थोड़ा सा तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको पलट लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। इसमें मैं 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक ऐड करूंगी, बारीक कटा हुआ। अब मैं लहसुन ऐड करूंगी, एंड अब मैं इसमें मैं हरा शिमला मिर्च ऐड करूंगी एक। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, लगभग 1/2 चम्मच। आप लाल मिर्च के पाउडर को भी स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड करने जा रही हूँ। यहाँ में मैंने 1 चम्मच ऐड कर लिया है, और एक चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पोटैटो बॉल्स ऐड करने जा रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये मेरा पूरा अच्छे से बन चुका है। देखिए, ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए, मेरा ये आलू 65 बन के रेडी हो चुका है, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, ये मेरा टेस्टी आलू 65 बनके रेडी है। देखिए, ये देखने से भी बहुत टेस्टी लग रहा है। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। ये बहुत टेस्टी बना है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।